नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। पंचायत सचिव, पंचायत में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारे पद निकले हैं पंचायत विभाग तरफ से। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पद है, क्वालिफिकेशन कहाँ क्या क्या रहेगी और कहाँ कहाँ किस किस पंचायत में यह पद होने वाले हैं। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश पंचायत द्वारा, पंचायत विभाग द्वारा निकाले गए हैं। तो चलिए जानते हैं उसकी पूरी जानकारी। एंड अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन यहां पर मिल सके। तो क्या है, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एक वेबसाइट भी जिसका नाम है गौर न्यूज़ 24, GOURNEWS, गौर ही न्यूज़ लिखेंगे तो ही आप सर्च कर सकते हैं, या आप गौर न्यूज़ 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिख जाएगा, आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। पंचायत सहायक के 4,000 से ज़्यादा पदों पर निकली है भर्ती। आवेदन शुरू 12वीं पास अगर आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड आपको नोटिफिकेशन भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ग्राम पंचायत में सहायक अकाउंटेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकले, इस भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑफलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ऑफलाइन आवेदन होना है। आवेदन शुरू होने की तारीख क्या है, 15 जून, और लास्ट तारीख जो है वो 30 जून 2024 है। ठीक है, आवेदन शुल्क जो कि ₹500 रहेगा ST SC EWS जनरल सभी कैटेगरी के लिए। पद की बात करें तो टोटल 4821 पद, मतलब 4821 पद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। ST SC वर्ग के वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास आपको होना चाहिए, और आप जिस पंचायत से आवेदन कर रहे हैं उसके स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका आपका पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें, जो डॉक्यूमेंट आपको जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, सिग्नेचर, आयु प्रमाण पत्र, उम्मीदवार जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट। ठीक है, सैलरी की बात करें तो उम्मीदवार को सैलरी योग्यता के अनुसार दी जाएगी, और सिलेक्शन की बात करें तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पर किया जाएगा। जिसके 12वीं में सबसे ज्यादा अंक रहेंगे उसका सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट panchayatiraj.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। फॉर्म डाउनलोड करके सभी जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ इसे व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या जिला पंचायत राज्य अधिकारी के ऑफिस जमा करें। देखिए, अगर आपके जनपद पंचायत पास में है या ग्राम पंचायत पास में या विकास खंड पास में है तो आप स्वयं जाकर दे सकते हैं, अन्यथा आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना है, कुछ देर वेट करना है। ये नोटिफिकेशन जारी होता 7 जून 2024। ठीक है, शासन अनुसार 15/3/2024 के अंतर्गत पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का चयन हो तो निम्नांकित योग्यता व विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थी से आमंत्रित किए जाएंगे। कुल रिक्त पद हैं 4821। ग्राम पंचायत द्वारा अविशोष पदों का रिक्त विवरण आवेदन पत्र क्रमांक प्रारूप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट panchayatiraj.up.in पर प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर कुछ तारीख, इंपॉर्टेंट तारीख दी गई। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पोर्टल पर बुनियादी की जाएगी 12 जून से 14 जून तक। एंड फाइनली इसका नियुक्ति पत्र आपको 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में वितरित किए जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका ऑफलाइन आवेदन फॉर्म। अगर आपको इसे आपको पूर्णतः भर लेना है, जो जानकारी इसमें मांगी गई वो आपको जानकारी दे देना है। एंड यहाँ पर आपको प्यारी सी अपने फोटो लगा देना है। एंड यहाँ पर सभी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो अपने हस्ताक्षर कर देना। एंड ये आवेदन फॉर्म जैसे ही जमा करने जाओगे तो आपको यहाँ पर नीचे की जो है वो
एक रसीद दी जाएगी कि आपको प्राप्ति रसीद ग्राम पंचायत विकासखंड जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा या सील साइन जिसे जिसे आप ये फॉर्म जमा करेंगे उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, जिस तारीख को दी उसका दिनांक लिखी जाएगी एंड प्राप्तकर्ता जिसे आप दे रहे हैं उसके साइन यहाँ पर और मुहर लगाई जाएगी। एंड यहाँ पर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।